हेलो गाइस, तो ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये है ग्रीन प्लैनेट की बिल्डिंग। ये मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ। ये दुबई में सिटी वॉक के जस्ट सामने है और इसका टाइमिंग है शाम को 6 बजे तक। तो शाम को 6 बजे तक ये खुला रहता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एंट्रेंस है द ग्रीन प्लैनेट, और पूरा इंडोर फॉरेस्ट की तरह बनाया हुआ है। बहुत अच्छी वाइब्स हैं। तो जब आप ग्रीन प्लैनेट में एंटर करते हो यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में बहुत सारे कैफ़ेज़, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। वहाँ पे भी पूरे प्लांट्स लगे हुए हैं, पूरा फॉरेस्ट थीम ही है। तो यहाँ पे आप खा पी सकते हो। साथ में यहाँ पे शॉप्स भी हैं जहाँ पे एनिमल्स वाले सॉफ्ट टॉयज़ हैं, तो आप यहाँ से आप परचेस कर सकते हो। और एंट्रेंस पे ही बहुत अच्छा एम्बियंस है, तो मुझे अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है अभी कि अंदर क्या होगा। और यहाँ पे ये सॉफ्ट टॉयज के पास में पेड़ भी बनाया हुआ है, और इसके ऊपर कुछ ऐसी बास्केट्स लगाए हुए हैं जिसमें एनिमल्स को बिठाया है। और ये देखो, ये ऊपर नेस्ट भी बनाए हुए हैं, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। सो नाउ वी आर गोइंग इनसाइड। अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं अंदर। ये देखो, ये एम्बियंस बहुत प्यारा एम्बियंस है यहाँ का। नाउ लेट्स गो इनसाइड। यहाँ पे बनाया है एक पॉन्ड जैसा अंदर, और जिसमें बहुत सारी फिशेस डाली हुई हैं। यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे फॉरेस्ट में, पूरी वही फीलिंग आ रही है। ऊपर से हल्का हल्का पानी टपक रहा है, और बहुत सारी पूरी हर जगह प्लांट्स लगाए हुए हैं, ग्रीनरी है। इट्स रियली अ इंडोर फॉरेस्ट। सीरियसली दिस इज़ बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। बहुत ही अमेजिंग बनाया। ये बीच में एक ट्री दिया हुआ है जो बहुत ऊपर तक है। आई डोंट नो दिस ट्री इज़ नेचुरल और आर्टिफिशियल, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दिस। गाइस सी दिस फिश। अगर आप सबसे पहले आते हो तो आपको ये जाइंट फिश देखने को मिलेगी। देखो आप, कितनी सुंदर है, बहुत ही प्यारी है, जिसमें 2 या 3 शेड्स है और काफ़ी बड़ी है। इसके जस्ट अपोजिट में ये ब्लैक फिश है विच इज़ लुकिंग वेरी डेंजरस, एंड दिस वन इज कैट फिश। तो ये था जस्ट एंट्रेंस के बाद ग्राउंड फ्लोर। नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट फ्लोर। वाओ, फर्स्ट फ्लोर पे आते ही मैंने ये बर्ड देखी है। देखो कितनी सुंदर है। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे ना ये सारे बर्ड्स ओपन है, तो आपको खुद नजरें इधर उधर घुमा के सर्च करनी पड़ेंगी। आपको देखनी पड़ेगी कहाँ पे कौन सी बैठी हुई है। ये मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ जूम करके। ये देखो, वाओ लवली, कितने कलर्स हैं इसमें। एक पूरा ब्लू है और एक पूरा ब्लू और येलो। अब बहुत बड़ा है ये। यहाँ पे ये कोई तो भी बर्ड है जो मुझे अच्छे से दिख नहीं रही है। ये एक बास्केट है जिसके अंदर बैठी हुई है, बट आई कांट सी इट प्रॉपरली। करीब 850 स्पीशीज़ हैं यहाँ पे बर्ड्स के, और करीब 3000 तक प्लांट की स्पीशीज़ हैं। ये इन बर्ड्स के लिए नेस्ट बनाए हुए हैं यहाँ पे।
ये यहाँ पे है बैट केव, अंदर बहुत सारे बैट्स हैं जो फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत स्मेल आ रही है, सो आई कांट गो इनसाइड। देखो गाइस, अभी मैं बहुत पास में आ गई हूँ इस बर्ड्स के, सो आई कैन शो यू प्रॉपरली। बहुत बड़ा बर्ड है ये और बहुत सुंदर है, पिक्चर्स ले रहे हैं उसके साथ। ये देखो, ये इसके साथ ये येलो वाला भी आ गया और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं साथ में। ये पूरी ब्लू कलर की बर्ड है, वाओ। नाउ गाइस सी दिस वन, वाओ, सो मैनी प्लांट्स, बहुत सारी स्पीशीज है यहाँ पे प्लांट्स की, और अगर आप प्लांट लवर हो तो आपको यहाँ पे जरूर आना चाहिए। ये बर्ड्स के लिए नेस्ट बनाए हुए हैं यहाँ पे। ये वाटरफॉल भी है, इट्स रियली लवली। अभी मैं बहुत पास से इनकी एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रही हूँ, रियली स्कैर्ड। ये मुझसे कुछ कह रहा है यहाँ पे देख के, बट आई डोंट नो ये क्या बोल रहा है। What they are doing? Don't know. I think they are loving each other or they are feeding. सबको बहुत अच्छा शॉट मिल गया है अभी, सारे लोग इसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। Now let me show you very cute birds. इनका pair है, wow, बहुत ही सुंदर birds है। ये देखो pink है इनका, pink और white color के, wow। अभी मैं इसको back side से record कर रही हूँ, तो मैं आगे try करूँगी इसको front side से record कर सकूँ। One more beautiful bird, wow। ये देखो कितने सारे कलर्स हैं उस एक बर्ड में, वन मोर ब्यूटीफुल बर्ड, वाओ। मैंने तो ये बर्ड्स अभी कभी नहीं देखे अपनी लाइफ में अभी तक, आप लोगों ने अगर देखे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताओ। ये देखो गाइज, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ब्लू बर्ड, वाओ। ये बर्ड देखो, शायद आपने कभी नहीं देखा होगा इसको, तो ये पूरी वाइट है, बस इसकी जो आईज हैं वो ब्लू हैं। अब यहाँ पर है टॉर्टोइस, ये तीन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। ओ गॉड, यहाँ पे एक सिक्योरिटी के हाथ में स्नेक है और लोग उसको टच कर रहे हैं, ओ गॉड। ये देखो ये बर्ड, मैंने कहा था ना फ्रंट से आपको दिखाऊंगी, ये देखो कितना प्यारा बर्ड है, लाइट पिंक और वाइट, वाह बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये क्या है, ग्रीन कलर का रेप्टाइल, से पूरा ग्रीन लीव्स के बीच में, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है एकदम, बहुत ध्यान से देखना पड़ा तब पता पड़ा कि ये बैठा हुआ है बीच में। स्नेक को हाथ लगाया।
अब ये है जाइंट स्पाइडर, बाप रे इतनी बड़ी स्पाइडर है। ओहो, ये ग्रीन कलर का फ्रॉग है, आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर का फ्रॉग है, ग्रीन कलर की लीव्स पे बैठा हुआ है। इसका नाम है रेड आई ट्री फ्रॉग। ओके, ये ग्रीन कलर का है तो इसका नाम भी ट्री फ्रॉग है। शी, ये लिजार्ड, दिस इज वन मोर स्पाइडर, बहुत स्कैरी लग रही है ये। ये देखो नाउ द अनदर फ्रॉग, ये ग्रीन कलर का है, इसके ऊपर ब्लैक कलर की स्पॉट्स, इसका नाम है पॉइजन डार्ट फ्रॉग, पॉइजनस है ये। और ये रहा, ये देखो ये अलग ही टाइप का कोई मंकी है, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा मंकी। इसका नाम है कॉटन टॉप टैमरिन, और ये मतलब एक मंकी का ही टाइप है, लेकिन सबसे वन ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइमेट है। बहुत क्यूट है ये, और ये देखो कितना अच्छे से इसका नेस्ट बना हुआ है यहाँ पे। वाओ, वन मोर बर्ड, कितनी सुंदर है ये। ये देखो कितने प्यारे कलर की है यार, रेड और ब्लू मिक्स और बीच में येलो। एक ये बर्ड है ग्रीन और ब्राउन, ये है कॉकरोचेस, पर ये बहुत बड़े कॉकरोच हैं। ये एक और रेप्टाइल बैठा हुआ है यहाँ पे ऊपर डंडी के ऊपर। लिजार्ड्स है इसमें, इनको देख के ना अजीब सा लगता है। दो हैं इसमें। ओ एगुआना, बहुत गंदे लगते हैं रेप्टाइल्स। ये है एक और ब्यूटीफुल बर्ड, अगेन ये है स्नेक। ओ वैसे दिखने में बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे कलर्स हैं इसके, ग्रीन और उसमें वाइट स्पॉट्स, बट मुझे स्नेक्स नहीं पसंद। वो देखो पेड़ के ऊपर, दिस टाइप ऑफ बेयर कैसे सो रहा है आलसी। वाओ कितनी सुंदर बर्ड है। देखो गाइस, बेयर ए ड्रैगन लुकिंग वेरी डेंजरस।
ओ ये तो हमारे रास्ते में ही बैठा हुआ है। गाइस बहुत अच्छी जगह है ये, रियली बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। पूरा आइडिया इसको बनाने का, यहाँ का एम्बियंस, जो वाइब्स हैं, हर चीज़ बहुत ही अच्छी है। अगर आप दुबई आते हो तो उसको ज़रूर विज़िट करना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएचर्स ऑफ द नाइट, इसके अंदर क्या है ढूंढ लो। चलो अंदर जाके देखते हैं। स्नेक फुल पोजीशन में बैठा हुआ है, एकदम तैयारी में। लास्ट में ये प्यारा सा बर्ड, यहाँ पे एक चीज़ होती है, जैसे अभी 5 बजे होने वाला है, हम लोग यहाँ हैं, तो उस जिसको थंडर बोलते हैं, और तो बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है यहाँ पे, वो चालू हो जाती है, और आर्टिफिशियल रेन टाइप आप बोल सकते हो, तो वो रहता है यहाँ पे कुछ मिनट्स का। ये देखो, ये ऊपर से यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन हो रही है, यहाँ पे आर्टिफिशियल हवा और बारिश दोनों। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो? मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये जगह अच्छे से दिखा सकूं और आपको वीडियो देखने में मज़ा आए। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो, लाइक और कमेंट्स कर दो आपको कैसा लगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ ग्रीन प्लानेट। लास्ट में ये सारी शॉपिंग आप कर सकते हो, यहाँ पे टी शर्ट्स हैं एनिमल्स की, और कई कई सारे सॉफ्ट टॉयज हैं।